ग्वालियर नगर निगम इन दिनों स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में ग्वालियर को अव्वल लाने के लिए मजबूती से जन जागरूकता में जुटी हुई है। लेकिन क्या आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि जागरूकता का ऐसा असर भी हो सकता है कि लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाएं? जी हाँ, कुछ ऐसा ही असर ग्वालियर में देखने को मिला है, जहाँ गंदगी फैलाने पर एक युवक ने दूसरे युवक की जमकर पिटाई कर दी। फूलबाग चौराहे पर बनी एक चाय की गुमटी पर जब कुछ लोग खड़े होकर चाय की चुस्की ले रहे थे, उस दौरान एक युवक ने चाय पीने के बाद डिस्पोजेबल ग्लास को साफ सड़क पर फेंक दिया। इस बात को लेकर पास में ही खड़े दूसरे युवकों ने जब उसे टोका और डस्टबिन में ग्लास डालने के लिए कहा, तो कचरा फैलाने वाला युवक बिफर गया और उनसे बोला, मेरी मर्जी। ये बात बाकी लोगों को नागवार गुजरी और उन्होंने गंदगी फैलाने वाले युवक की जमकर लात घूसों से पिटाई कर दी। और देखते ही देखते मामला इतना गंभीर हो गया कि पत्थर से सिर फोड़ने जैसे हालात बन गए। पास खड़े कुछ लोगों ने जब बीच बचाव किया, तब कहीं जाकर मामला शांत हुआ। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि जिस वक्त ये घटना घटी, पास में ही नगर निगम का स्वच्छता जागरूकता रथ भी खड़ा था, जिससे चाय पीने के दौरान ये लोग प्रेरित हो गए। लेकिन प्रेरित होते ही इतनी ज्यादा जागरूकता कि गंदगी फैलाने को लेकर पहले रोका, फिर टोका, जब नहीं माना तो ठोका। वायरल वीडियो काफी चर्चाओं में आ गया है। स्वच्छता को लेकर शहर में ऐसी भी जागरूकता भला देखी जा सकती है। वहीं इस मामले में नगर निगम कमिश्नर किशोर कल्याण का क्या कहना है, वो भी सुन लीजिए। ये ठीक है कि हम लोग का एक प्रयास है, रोको टोको फाइन करो, है ना, और नहीं मानता दुकान सील करो, और भी नहीं मानता तो उसको पुलिस पर बंद करो। तो हमारा इशू ये है कि ग्वालियर में स्वच्छता किसी भी हद तक हमें अपने प्रयासों में कमी नहीं करनी चाहिए। और मुझे खुशी है कि ग्वालियर की जनता में बहुत जागरूकता फैलती जा रही है। लेकिन मैं फिर एक चीज़ बताना चाहूँगा कि आप जो हम कह रहे हैं वो कीजिए। जिस प्रकार से आपने दिखाया कि स्वच्छता को लेकर दो तीन लोग आपस में लड़ाई कर गए, मारपीट कर गए, उस लेवल पर नहीं जाएं। ये कानून अपने हाथ में नहीं लीजिए, आप केवल रोकिए टोकिए, आप इतना ही कीजिए आम आदमी। और यदि कोई व्यक्ति नहीं मानता, हमारी टीम को इन्फॉर्म कीजिए ताकि वो फाइन करे। आवश्यकता होने पर हम दुकान को सील भी कर रहे हैं, आवश्यकता होने पर FIR भी कराएंगे। लेकिन वायलेंस को अपने हाथ पर मत लीजिए। स्वच्छता को लेकर जागरूक रहना बहुत जरूरी है, बट वायलेंस नहीं। क्या लगता है इंदौर की तर्ज पे अब लोग भी यहाँ जागरूक हो रहे हैं और इस तरीके से अब तस्वीरें सामने आ रही हैं? अब ये तो देखो, आर्ट बुक को बेहतर फीडबैक मिल रहा होगा जगह जगह से कि लोग जागरूक काफ़ी हो रहे हैं, जैसे मैंने बताया होना भी चाहिए। और मैं जनता से अपील भी कर रहा हूँ जगह जगह जाकर कि भाई आप लोग को रोकना टोकना है। जिस दिन हमारे पास तो केवल 3,000 कर्मचारी हैं, 15 लाख की पॉपुलेशन है ग्वालियर की, तो हम लोग यदि खुद आप और हम मिलकर जो भी व्यक्ति गलत करता है उसको रोकेंगे टोकेंगे तो हमारा इम्पैक्ट ज्यादा होगा और हम स्वच्छता को जो हमारा टारगेट है उसको अचीव करेंगे। नगर निगम कमिश्नर ने कहा कि जागरूकता अच्छी बात है, लेकिन किसी को भी कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए। अगर कोई गंदगी फैलाता है तो निगम की स्वच्छता टीम को इसकी सूचना दी जाए ताकि उस पर कार्रवाई की जा सके। न्यूज़ डेस्क, समाचार प्लस।